अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ रमजान स्पेशल में चिकन पिज़्ज़ा बॉल और चिकन पिज़्ज़ा रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बनाने में आसान और खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। ये बच्चे हो या बड़े, सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि मैंने इनको कैसे बनाया है। वीडियो को फुल देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या है मेरी सारी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। इसके लिए सबसे पहले फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब गैस को ऑन कर देंगे। अब ऑयल को गरम कर लेंगे। अब ये 250 ग्राम पत्ते वाली प्याज ली है, इनको देखिए इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया है। अब प्याजों को भी इसी में डाल देंगे। अब इसमें एक बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। अब बराबर से चलाते हुए इनको हल्का सा भून लेंगे। प्याजों को हल्का सा सॉफ्ट होने तक इनको भून लेंगे। प्याज भी देखिए हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अब इसमें एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। इसमें आधा चम्मच ओरिगेनो डालेंगे। अब इनको भी हल्का सा भून लेंगे। इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अब नमक को इनमें मिक्स करेंगे। अभी मैंने थोड़े से फ्रोजन स्वीट कॉर्न और फ्रोजन मटर लिए हैं। ये क्या है थोड़ा लेट गलते हैं, इसलिए मैंने इनको हल्का सा उबाल लिया है। अब इनको भी इसी में डाल देंगे। अब इनकी लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भुनाई करेंगे। इनकी भुनाई करते हुए करीब 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये वेजिटेबल्स भी देखिए अच्छे से भुन गई हैं। अब गैस को तो बंद कर देंगे और इनको फ्राई पैन में से निकाल लेंगे। अब इनको अच्छे से ठंडा होने देंगे। इनको प्लेट में देखिए इस तरीके से फैला देंगे, जिससे क्या है जल्दी ठंडा हो जाएंगे। अभी इनको साइड में रख देंगे। अभी 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, इसको उबालने के बाद चॉपर की हेल्प से बारीक चॉप कर लिया है। अब इसमें लगभग 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अभी मैंने थोड़े से ओलिव्स लिए हैं, इनको बारीक बारीक कट कर लिया है। अब इनको भी इसी में डाल देंगे। अब ये 4 उबले हुए आलू लिए हैं, इनको उबालने के बाद ठंडा कर लेंगे। अब आलू को भी बारीक बारीक तोड़ करके इसी में डाल देंगे। ये वेजिटेबल्स भी देखिए ठंडी हो गई हैं, अब इनको भी इसी में डाल देंगे। अब इसमें बाइंडिंग के लिए लगभग 1 कप जितने ब्रेड क्रम्स डालेंगे। आप इसमें ब्रेड क्रम्स की जगह बेसन या फिर सूजी भी डाल सकते हो। अब इनको हाथ की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसमें ब्रेड क्रम्स की क्वांटिटी अपनी जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। अगर आपको लगे कि मिक्स पतला है तो इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स और डाल लें। इनको देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मैंने मोजरेला चीज लिया है, इसको मैंने 2 तरीके से कट कर लिया है। अब हाथों में हल्का सा ऑयल लगाएंगे, जिससे क्या है मिक्स हाथों से चिपकेगा नहीं। अब थोड़ा सा मिक्स लेंगे, इसको हाथ पे देखिए इस तरीके से फैलाएंगे। अब इस पे चीज की एक स्लाइस रखेंगे। अब इसको देखिए इस तरीके से शेप दे लेंगे। मेन पीसों को इस तरीके से थोड़ी लंबी और गोल शेप में बनाऊंगी। आप इनकी शेप भी अपनी पसंद के हिसाब से दे लें, जो भी शेप आपको सही लगे। पूरे मिक्स की इसी तरीके की शेप बना लेंगे। आप मेरी वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या है मेरी सारी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। ये मैंने पूरे पीस रेडी कर लिए हैं, अब इनको साइड में रख देंगे। अब एक बाउल लेंगे, इसमें करीब 3 से 4 अंडे तोड़ लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अब इनको अच्छे से फेंट लेंगे। अभी मैंने थोड़ी सी वेफर्स ली है, इनका बेलन से चूरा कर लेंगे। इनको देखिए इतना बारीक तोड़ लेंगे। ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, अब वेफर्स के चूरे को भी इसी में डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन पीसों को पहले अंडे में डिप करेंगे। अब इनको ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे। इनको ब्रेड क्रम्स से इस तरीके से अच्छे से कोट कर लेंगे। अगर आपको लगे कि फ्राई करते वक्त पीस फट सकते हैं तो आप इनको डबल कोट कर सकते हैं। इसी तरीके से पूरे पीसों को रेडी कर लेंगे। अगर आप चाहो तो इस तरीके से इन पीसों को रेडी करके इनको किसी भी जिपलॉक बैग में या फिर एयरटाइट डब्बे में रख के इनको फ्रीजर में रख के आराम से 1.5 से 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। ये मैंने पूरे पीस रेडी कर लिए हैं। अब इनमें से थोड़े पीस तो मैं एयर फ्राई करूंगी और बाकी के पीस मैं ऑयल फ्राई करूंगी। इनको फ्राई करने से पहले मैं इफ्तारी के लिए अंगूर और ऑरेंज का जूस बनाऊंगी। इसके लिए मैंने अंगूर और ऑरेंज दोनों को धो लिया है। अब ऑरेंज को देखिए इस तरीके से 2-2 पीसेस में कट कर लेंगे।
अब अंगूर को तो जार में डाल के मिक्सी की हेल्प से बारीक पीस लेंगे। अब इनको पीसने के बाद चन्नी से छान लेंगे। अब ऑरेंज को भी इसी में निचोड़ लेंगे। अब इसको चम्मच से छान लेंगे। अब इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। अब ये बीज और थोड़ा सा कचरा निकला है, इसको तो फेंक देंगे। अब इसको मीठा करने के लिए इसमें शक्कर के बजाय शहद डालेंगे। आप इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से शक्कर डाल सकते हैं। अब शहद को भी इसमें मिक्स कर देंगे। मैं इसमें बर्फ नहीं डाल रही हूँ, अगर आप चाहो तो इसमें अपनी पसंद के हिसाब से बर्फ डाल सकते हैं। अभी हमारा जूस भी बनकर रेडी है। अब इसको ढककर साइड में रख देंगे। अब हमें जितने भी पीस एयर फ्राई करने हैं इसमें जमा देंगे। अब इन पे ब्रश की हेल्प से हल्का हल्का सा ऑयल लगाएंगे। अगर आप चाहो तो इनको बिना ऑयल के भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन ऑयल लगाने से क्या है, थोड़े टेस्टी हो जाएंगे। अब इसको ऑन कर देंगे। इसको फर्स्ट नंबर पे कुकीज वाले ऑप्शन पे सेट कर देंगे। इसमें टाइम ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अब ये पीस एयर फ्राई होंगे, इतनी देर में हम बाकी के पीसों को ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ऑयल को चेक करने के लिए कोई भी एक स्टिक लेंगे, इसको ऑयल में डिप करेंगे। ऑयल में देखिए बबल आना स्टार्ट हो चुके हैं, इसका मतलब ऑयल गर्म हो गया है। अब एक एक करके इन पीसों को इसमें डाल देंगे। इसमें जितने पीस आसानी से आ जाएंगे उतने डाल देंगे। अब इनको हाई फ्लेम पे सब तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। ये पीस देखिए फ्राई हो गए हैं, अब इनको निकाल लेंगे। अब हमें जितने भी पीस चाहिए इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इन पीसों को भी एयर फ्राई होते हुए 15 मिनट हो गए हैं, अब इनको भी चेक करेंगे। ये पीस भी देखिए 15 मिनट में कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इनको भी निकाल लेंगे। अगर आपको ऑयल फ्री खाना खाना है तो इनको एयर फ्राई कर लें, और अगर आपको ऑयल वाला खाना खाना है तो आप इनको ऑयल में फ्राई कर लें। ये पीस भी देखिए फ्राई हो गए हैं, अब इनको भी निकाल लेंगे। ये मैंने पूरे पीस फ्राई कर लिए हैं। अब मैं आपको इनको चेक करके दिखाना चाहूंगी। ये हमारा बहुत ही बढ़िया नाश्ता बना है, यकीन मानिए मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया है। आप भी मेरे कहने पे एक बार इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या है मेरी सारी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।